नुह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त की तारीख तय की है। आज इस मुद्दे को लेकर पलवल में महापंचायत हो रही है। हरियाणा के पलवल में हो रही महापंचायत में 500 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति मिली है। जिला प्रशासन ने शर्त रखी है कि इस दौरान किसी भी तरह की हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण नहीं देना है। ये भी आदेश है कि महापंचायत को 2 बजे तक समाप्त करना है। हमने जो सबसे पहले तो जो हेट स्पीच है उसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी बात यहाँ पर की जाती है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू संगठनों की महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। आरएएफ और हरियाणा पुलिस की तैनाती के साथ वज्र वाहन भी लगाए गए हैं। पंचायत की जा रही है और 25,000 के आसपास लोगों के इकट्ठा होने की बात की जा रही है। अब ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति खराब ना हो उसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया। अमित एक बार फिर से दिखाइए, यहाँ ना सिर्फ लोकल पुलिस साथ में रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। हरियाणा के नुह में एक बार फिर से अधूरी ब्रज मंडल यात्रा को पूरा करने की तैयारी हो रही है। हिंदू संगठनों ने इसके लिए 28 अगस्त की तारीख को तय किया है। आज हो रही महापंचायत में यात्रा को लेकर मुहर लगने की संभावना है। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, पलवल में इस वक्त महापंचायत चल रही है, वहां से आपको दिखाते एक ताजा रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है पलवल के पोंडरी गांव में और यहां पर एक महापंचायत चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और वेशभूषा देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर इस बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से 31 जुलाई को नूह के नलहर मंदिर से निकलते हुए जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा थी उस पर निकलने के दौरान हिंसा हुई, 2 समुदाय आपस में भिड़े, उसके बाद 6 लोग की जाने भी गईं और तकरीबन 90 लोग घायल हुए। अब मांगे उठ रही हैं कि उस शोभा यात्रा को दोबारा से शुरू की जाए। इसको निर्णय लेने के लिए यहाँ पर तमाम जो आसपास की पंचायतें हैं, साथ ही जो हिंदू संगठन है जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। और इस महापंचायत में इस बात पर विमर्श किया जा रहा है कि एक बार फिर से उस रुकी हुई शोभा यात्रा जो कि अधूरी रह गई थी उसको किस तरीके से पूरा किया जाए।